दोस्तों, आए दिन प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखकर हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार वो क्या हो रहा होता है। जैसे कि क्या आप इस क्लिप में देखकर बता सकते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या आपने कभी बारिश के किनारे को देखा है? अगर नहीं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अनोखी बातें के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नंबर 1 बेरियसस स्पिलवे, दोस्तों जरा अब इस चीज को देखिए जिसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या है। शायद आप में से कुछ लोग इसे प्रकृति द्वारा बनाया गया कुछ अनोखा ही नमूना समझ रहे हो, लेकिन दोस्तों ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है जिसे देखकर हर कोई यही कहता है कि ये सचमुच एक अजूबा है। और अगर आप इस करिश्मे को देखना चाहते हैं तो आपको कैलिफोर्निया के लिए रवाना होना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया भर के डैम्स में स्पिलवे बनाए जाते हैं, जिसे बनाने का कारण ये होता है कि अधिक पानी की वजह से डैम टूट ना जाए। लेकिन जिस स्पिलवे को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई ब्लैक होल हो। इस स्पिलवे को बनाने का सबसे मेन कारण ये था कि जब भी पानी 440 फीट से ऊपर आ जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस स्पिलवे में चला जाएगा। स्पिलवे में एक पाइप लगाई गई है जिसकी मदद से जो भी एक्स्ट्रा पानी स्पिलवे में आता है वो खेतों में सिंचाई या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, आपको एक खूबसूरत नजारा सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब इस डैम का पानी 440 फीट से ऊपर पहुंच चुका होता है। और हम आपको बता दें कि ये नजारा 22 सालों में सिर्फ 4 बार ही देखने को मिला है। तो दोस्तों, आपको ये खूबसूरत नजारा कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज पाइपलाइन ब्लास्टिंग। दोस्तों, इस क्लिप को देख कर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जमीन के अंदर कोई सांप तेजी से घुसता चला जा रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस पाइपलाइन ब्लास्टिंग के नाम से जाना जाता है। और अगर आप कंस्ट्रक्शंस में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रोसेस को किसी भी बड़े ब्रिज को बनाने से पहले किया जाता है, ताकि वहाँ की जमीन को नर्म बनाया जा सके। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही है कि कहीं कहीं पर जमीन काफी ज्यादा ठोस होती है तो कहीं पर नर्म होती है। तो ठोस जमीन को नर्म बनाने के लिए इस पाइपलाइन ब्लास्टिंग को किया जाता है, जिससे मशीनों द्वारा जमीन को आसानी से खोदा जा सके। और जब भी थोड़ी थोड़ी जगहों पर सीरीज द्वारा ब्लास्टिंग की जाती है तो यह नजारा देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो जमीन के अंदर कोई सांप घुस गया है और वो काफी तेजी से रेंग रहा है। नेक्स्ट इज बबल। दोस्तों, आपको गर्मी के मौसम में ठंडी जगहों पर जाना तो पसंद ही होगा, और आप कई बार ऐसी जगहों पर गए भी होंगे। और दोस्तों, आपने बचपन में बबल्स को तो बनाया ही होगा जो कि हाथ लगाते ही गायब हो जाते थे, यानी कि टूट जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आप बेहद ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और वो ये है कि अगर आप किसी बर्फीली जगह में जाकर इन बबल्स को बनाते हैं तो वो बबल्स फूटते नहीं है, बल्कि बहुत ही जल्दी यानी कि कुछ सेकंड्स में ही बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आप इस बारे में पहले जानते थे ये भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जरा इस मूर्ति पर नजर डालिए जिसे देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये एक पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है। लेकिन दोस्तों, पत्थर से बनाई हुई मूर्ति को कोई इस तरह से कैसे तोड़ मरोड़ सकता है, इसे देखकर आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिरकार ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। असल में इस तरह की मूर्तियों को पेपर स्कल्पचर कहते हैं, यानी कि कागज की मूर्तियाँ। और ये कागज की मूर्तियाँ दिखने में तो बिल्कुल किसी चूने पत्थर की मूर्तियाँ जैसी ही नजर आती है। दरअसल इन्हें सैकड़ों पेपर की मदद से बनाया जाता है, जिन्हें बनाने के लिए अच्छे खासे हुनर की जरूरत होती है। लेकिन अमेरिका के फेलिक्स सेम्पर को इस काम में महारत हासिल है। दोस्तों, ये कागज की मूर्तियाँ किसी पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों से काफी ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा एडवांस भी, क्योंकि इन कागज की मूर्तियों को तोड़ मरोड़ के दोबारा बिल्कुल परफेक्ट उसी शेप में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कमाल के हुनर के लिए वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। नेक्स्ट इज एज ऑफ रेन।
दोस्तों आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि किसी शहर में बेहद ज्यादा तेज बारिश होती है और किसी शहर में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। तो ऐसा देखकर या सुनकर आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि कोई ना कोई बारिश का किनारा भी होता होगा। तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है कि बारिश का किनारा होता है, लेकिन दोस्तों इस किनारे को देखने के लिए आपके पास नसीब काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये किनारा हर किसी को देखने को नसीब नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस तरह के खूबसूरत नज़ारे को देखा है और इसे अपने फोन में कैप्चर भी किया है। और अगर आपने इस नज़ारे को नहीं देखा तो दोस्तों आप इस वीडियो में इस नज़ारे को जी भर के देख लीजिए। तो दोस्तों क्या आपने अपनी आंखों से इस तरह के खूबसूरत नज़ारे को देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थी दुनिया की कुछ बेहद ही अनोखी चीजें जिन्हें आपने शायद पहली बार देखा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।